झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हजारीबाग, मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज हजारीबाग दौरा हुआ। आपको बता दें कि राज्यपाल मेरू में बीएसएफ कैंप के आयोजित 139 उप निरीक्षकों के पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल के हजारीबाग पहुंचने पे मेरू बीएसएफ के आईजी ने पहले उनका स्वागत किया, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप में 139 उप निरीक्षकों का आज 51 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद प्रशिक्षण समाप्त हुआ है। इस दौरान राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा कहा कि बीएसएफ ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा है एवं आज जो वीर योद्धा यहां से निकल रहे हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा देंगे तथा भारत माता की रक्षा करेंगे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं पासिंग आउट परेड पास करके उप निरीक्षक ने भी काफी खुश दिखे तथा कहा कि यहां हमें बहुत कुछ सिखाया गया है तथा यहां से निकलकर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश की सेवा करेंगे। This is a very dignified event in everybody's life. The spirit of patriotism in the minds of the young sub-inspectors of BSF is going to safeguard this nation at the border. Illegal migration, fake currency notes, and the narcotic smuggling all has to be stopped at the border areas. Unless the border is protected, the Indian society will never get protected. So, yes, you all, I am also proud today that our 139 young sub-inspectors are completing their training and they are getting into the service. I am really thankful to their families for inspiring this young man to join our BSF. अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया गया जो हमें आगे के अपने प्रोफेशन में हम यूज़ करेंगे और हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी का एहसास कराया गया यहाँ पे और उस रिस्पांसिबिलिटी को उठाने के लिए हम पूरे तैयार हैं। क्या नाम हुआ? सुखपाल सिंह। थैंक यू।